केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निजीकरण के नीति के विरोध में एवं अन्य प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु सभी ऊर्जा निगमों में कार्य बहिष्कार सुनिश्चित कर उत्पादन परीक्षण व सिस्टम ऑपरेशन में पाली में कार्य करने वाले कर्मी अलग अलग रहे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 एवं विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु लाए जा रहे स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स को निरस्त किया जाए। निजीकरण की केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ व पुंडुचेरी व किसी भी प्रांत में चल रही प्रक्रिया वापस ली जाए। ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेंचाइजी करार रद्द कर दिया जाए। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले संबल जिले की सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मंडल कार्यालय पर एकत्रित होकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हमारी संघर्ष समिति के द्वारा एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की आह्वान किया गया था, जिसके तहत सरकार के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को द्वारा 2021 करके पेश करने के लिए जो है समर्थन किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सांकेतिक एक विरोध प्रदर्शन है हमारा, जिसमें हम सब लोग इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के तहत जो निजीकरण करने की प्रक्रिया चालू की जा रही है, उस निजीकरण के द्वारा हमारे सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर एक बहुत ही कुठाराघात होने जा रहा है और उसकी वजह से जो बिजली महंगी होगी उसकी वजह से जनता और किसानों पर भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात होने जा रहा है, उसके विरोध में आज हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये और साथ ही हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो पुराना सैलरी स्ट्रक्चर है वो 7वें कमीशन में उसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारे साथ कर दिया गया है। जो हमारी लगातार 3-4 साल से मांगे चल रही हैं प्रबंधन से, प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके लिए भी हमारी आज मांग हमने उठाई है। ये पहले भी धरना दिया गया था, उसके बाद ये दोबारा धरना दिया गया है। पहले भी गवर्नमेंट ने सुनवाई करी थी? पहले हमने जो धरना दिया था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के द्वारा हमारे प्रबंधन ने ये हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है संघर्ष समिति के जो हमारे संयोजक हैं श्री शैलेंद्र दुबे जी, उनके द्वारा बताया गया कि ये राज्यसभा में जो है द्वारा यह बिल द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसके तहत निजीकरण की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की गई है। तो आज हमारा उसी के तहत सांकेतिक प्रदर्शन है कि ये निजीकरण की प्रक्रिया को लागू ना किया जाए। आपका ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये तो आज केवल 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है, सभी लोग एक ही दिन का ही है। अभी ये तो केवल जो है दिखा अपना